नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। पाकिस्तानी जासूस बलराम और उसके राइट हैंड आशीष सिंह राठौर का हिंदू संगठनों से कनेक्शन उजागर हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल और गौरक्षा जिला प्रमुख के पद से आशीष को निष्कासित कर अटकलों को सच कर दिया है। पाकिस्तानी जासूस बलराम की ATS द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद आशीष सिंह राठौर से भी उसके कनेक्शन उजागर हुए थे। इन चर्चाओं के बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चुप्पी साधकर चर्चाओं का रहस्य गहरा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अब विहिप ने आशीष के निष्कासन पर आदेश जारी कर दिया है। आशीष सिंह बजरंग दल में हमारा गौरक्षा प्रमुख था और विगत 2 साल से वहाँ जुड़ा था संगठन में, और अभी 3-4 दिनों से खबर आई कि ISI से वो उसका जुड़ाव है कहीं उसके बलराम सिंह के साथ में आर्थिक लेन देन बैंक अकाउंट के माध्यम से हुआ है। जबकि 10 फरवरी 2015 में सतना के जवाहर नगर मैदान पर आयोजित विहिप के हिंदू सम्मेलन में बलराम सक्रिय रहा था। विहिप के पोस्टर पर उसकी तस्वीर भी छापी गई थी। जब हम कोई आह्वान करते हैं किसी कार्यक्रम का, आम लोग भी आते हैं। बलराम भी संभवतः उसी तरह से आते थे, किंतु बलराम सिंह हमारे संगठन में किसी भी दायित्व में नहीं थे, ना हमारे वो कार्यकर्ता थे। और बलराम सिंह से व्यक्तिगत उसके कैसे क्या संबंध थे आशीष सिंह के, ये संगठन को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। इस सम्मेलन में प्रवीण तोगड़िया मुख्य अतिथि थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में पकड़ा गया बलराम नित नए खुलासे कर रहा है। इस मामले ने हिंदू संगठनों की राष्ट्रवादी छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है। सतना से न्यूज आज की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।